नमस्कार, मैं हूँ यास्मी। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और शिवसेना एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लगातार जुबानी हमला कर रहे हैं। बीएमसी द्वारा कंगना के ऑफिस में तोड़फोड़ किए जाने के बाद से तो कंगना रनौत इस कदर गुस्से में है कि कुछ दिनों पहले ही उन्होंने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को लताड़ लगाई, जिसके बाद कंगना रनौत को जहाँ काफी लोगों का समर्थन भी मिल रहा है, तो कुछ लोग कंगना के इस रवैये की कड़ी निंदा भी कर रहे हैं। हाल ही में साउथ फिल्म स्टार प्रकाश राज ने कंगना रनौत पर एक तंज कसा। प्रकाश राज ने कंगना रनौत का मजाक उड़ाते हुए एक मीम को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। मीम में कंगना रनौत समेत शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, ऋतिक रोशन जैसे सेलेब्स नजर आ रहे हैं। इस मीम को पोस्ट करते हुए प्रकाश राज ने पूछा, अगर एक फिल्म करके कंगना रनौत खुद को रानी लक्ष्मीबाई समझती हैं, तो दीपिका पद्मावती, ऋतिक अकबर, शाहरुख खान अशोका, अजय भगत सिंह, आमिर खान मंगल पांडे और विवेक मोदी जी होने चाहिए। बता दें कि बीते दिनों शिवसेना की ओर से निशाना बनाए जाने पर कंगना रनौत ने कहा था कि उन्होंने मणिकर्णिका में रानी लक्ष्मीबाई का किरदार निभाया और मराठी लोगों का सिर गर्व से ऊंचा किया है। लगता है प्रकाश राज द्वारा शेयर किए गए मीम कंगना रनौत के उसी बयान पर बने हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब प्रकाश राज ने कंगना रनौत के जले पर नमक छिड़का। इससे पहले भी प्रकाश राज ने कंगना रनौत को वाई कैटेगरी सुरक्षा प्रदान करने पर भी तंज कसा था। बताते चले कि हाल ही में कंगना महाराष्ट्र के गवर्नर से मिलने के लिए पहुंची थी, जहां कंगना ने राज्यपाल से मिलकर उनके साथ हुई अभद्रता की शिकायत की। इतना ही नहीं, कंगना रनौत ने राज्यपाल से महाराष्ट्र के हालातों पर बात करते हुए शिकायत की। चलिए सुनाते हैं आपको उनका ये बयान। His Excellency, the Governor of Maharashtra, Bhagwan Singh Koshyare, और मैंने उनसे मुझे जो भी मेरे साथ अन्याय हुआ है उसके बारे में बात की। वो हमारे सबके गार्डियन हैं यहाँ पे, एंड जिस तरह से मेरे साथ सुलूक हुआ है उस बारे में मैंने वही बात की। वही हमारी आज ब्रीफ जो भी मीटिंग हुई उसके बारे में मैंने उन्हें बताया, एंड आई होप कि जस्टिस बी गिवन टू मी, ताकि जो हमारे देश के जो लोग हैं और जो बच्चियां हैं खासकर, उनका जो फेथ है वो सिस्टम में रिस्टोर हो। और मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं और मेरा कोई पॉलिटिक्स से लेना देना तो है नहीं। एज अ कॉमन पर्सन, एज अ सिटीजन, एज समबडी हु हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम अ स्क्रैच इन दिस सिटी विच हैज़ गिवन मी सो मच, आज अचानक से जब मेरे साथ ऐसा अभद्र व्यवहार हुआ है, तो आई एम वेरी मच प्रिविलेज्ड और ये मेरे भाग्य हैं के गवर्नर सर ने मुझे एक बेटी की तरह सुना और मेरी जो भी है मुझे सहानुभूति दी, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा।